99 में 5 राइड्स, 199 में 5 टोकन मिलेंगे। अच्छा, जो सामने हॉर्स राइडिंग चल रही है वो 3 टोकन फॉर 1 चाइल्ड है। ओके, और जो ट्रैम्पोलिन है वो 2 टोकन फॉर 1 चाइल्ड है, और जितने भी सामने गेम्स लग रखे हैं बॉल थ्रो गेम, वन शॉट गेम, तो 1 टोकन 1 पर्सन। तो यहाँ पे राइड्स लें, काफी दिवाली का फेस्टिवल ऑन हो रखा है तो राइड्स बहुत सारी है। अब लाइट्स जो कितनी सुंदर सुंदर लाइट्स है यार, वाओ, सी दिस वन, फील अच्छी है, वाइब्स अच्छी हैं, नो डाउट। वीकेंड में आप फैमिली के साथ आ सकते हैं यहाँ पे। और ये हमने एंट्री करी है एरिया मॉल में। हाँ, और इन एस्केलेटर से ऊपर आते ही आपको मिलेगा चायोस। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चायोस आपके लिए हर जगह अवेलेबल है, गुड़गांव में, दिल्ली NCR में। सो चायोस इज़ हियर, चाय पियो, आराम करो। और फाइनली हम इन स्टेयर्स पे आ चुके हैं, मतलब एस्केलेटर्स पे आ चुके हैं, जो हमें फूड कोर्ट लेके जाएंगे। एंड दिस इज़ द फेवरेट सेक्शन ऑफ दिस मॉल, हैमलीज स्टोर। चलिए अभी भूख लगी है तो कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, और ये हम आ गए फूड कोर्ट में। तो एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीज़ें हैं, बर्गर किंग है, वाओ चाइना है, टाको बेल है, डोमिनोज है, लेमन ड्रॉप्स है, आपको जो खाना है खाओ। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, आराम से हम अपना वीडियो भी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। सेटिंग तो काफ़ी खाली है आज, तो आराम से मतलब खाया पिया जा सकता है। नाइस, तो फाइनली मैं आया हूँ लेमन ड्रॉप्स, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ अपना स्ट्रीट फूड प्लेटर, जिसमें मुझे मिलेगा एक पाव भाजी, एक छोला भटूरा, दही भल्ला, एक वड़ा पाव और गुलाब जामुन विद इन 295 रुपीज़। भैया ऑर्डर तो ले लो। तो दोस्तों, बोला तो था मैंने अपना प्लेटर, बट शायद हो गई है दिक्कत, प्लेटर में हो गई है कुछ कमी इनके पास, और फाइनली मुझे छोला भटूरा से ही संतुष्टि मिलनी करनी पड़ रही है। तो छोला भटूरा आने वाला है, सेंड, ये है मेरा टोकन नंबर, ये बज़र जब बजेगा तो हमारा ऑर्डर आएगा। चलो वेट करते हैं इस बज़र के बज़ होने का। और काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं खाने पीने की, फूड चेन है, सागर रत्न है, सबवे है, लेमन ड्रॉप्स है, और डोमिनोज है, आपको दिख जाएगा, तो सही है। तो दोस्तों, मेरा छोला भटूरा आ चुका है और मैं खाता हूँ, क्योंकि पेट पूजा अभी ज़रूरी है, और उसके बाद मुझे मूवी भी देखनी है, ब्लैक एडम, तो डेढ़ दो घंटे के लिए फंस जाएंगे, तो खाना पीना तो ज़रूरी है। तो फाइनली मेरी पेट पूजा हो गई है, और मैं ज़रा अब जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए, कि और कुछ मिल सकता है अच्छा कि नहीं। वेट करेंगे हमारी मूवी जब स्टार्ट नहीं होती है, तब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए मॉल को, और देखा जाए कि क्या क्या और अवेलेबल है, जैसे कि वाओ चाइना यहाँ पे है, और यहाँ के लेट्स सी, जब वाओ मोमोज भी खुल गया अपने यहाँ पे, वाओ मोमोज और वाओ चाइना एक साथ, सही है। और ये देखिए हमारा द्वार खुलेगा अपने आप, वाओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, देखिए आप, पूरा कार्निवल थीम है यहाँ पे, सामने स्मैश है, आई लाइक दिस प्लेस एक्चुअली। तो दोस्तों, फाइनली मैं अब जा रहा हूँ ऊपर सिनेपोलिस हमारी स्क्रीन के पास, ये देखिए सिनेपोलिस का लोगो आ गया, ओहो कितना सुंदर, मन भवन एक्सपीरियंस लगता है सिनेपोलिस में आने का। साउंड क्वालिटी के मामले में सिनेपोलिस का कोई जोड़ नहीं, ये देखिए इसकी एंट्री कर दी है मैंने, मुझे इसका बैग, इसका बैग रखना होगा यार, एक मिनट, थैंक यू, मेरे टोकन मुझे मिल गया है, और ये मैंने करने जा रहा हूँ एंट्री, स्कैन करना, थैंक यू, थैंक यू। सो मेरा टिकट स्कैन हो गया है, और फाइनली मैं सिनेपोलिस में आ गया हूँ, और ये है मेरा ऑडी, मुझे इस वाले ऑडी में जाना है, 7:40 का शो है। हाँ, शो स्टार्ट्स एट 7:40, यस 1940, मतलब 7:40, स्टारिंग ड्वेन जॉनसन, भाई ड्वेन जॉनसन मुझे पता है, सो नेक्स्ट शो विल बी अवर ब्लैक एडम। नाइस, काफ़ी खाली पड़ा है आज। हाँ, वैसे अर्ली रिव्यूज़ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है गई है मूवी, और थोड़े मिक्स रिएक्शन भी है कहीं कहीं स्टोरी लाइन को लेकर, बट क्या तो ऐसा रहे कि भाई जहाँ जहाँ एक्शन सीक्वेंसेस और ड्वेन जॉनसन की एंट्री है, वो सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ। आज देखो मैं अपने आपको ज़्यादा दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आज मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया हूँ और थोड़ा दिखने में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा शैबी सा लग रहा हूँ। वो ड्रेसअप नहीं है, वो DC या मार्वल का एक कोई ऐसा टैगलाइन मैंने पहना नहीं है। एक तरीके का सिंबलिज्म होता है जब हम ऐसी किसी मूवी को देखने जाते हैं। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मूवी कुछ ज़्यादा कमाल करेगी, क्योंकि खास तौर से इस मूवी के लिए जितना ज़्यादा ब्लैक एडम यानी हमारे ड्वेन जॉनसन ने वेट किया है उतना ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया है और इसके रिव्यूज़ जितने अच्छे आ चुके हैं उसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि यार एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए मूवी। हाँ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं ऐसा कह रहे हैं स्टोरी लाइन में, बट स्टिल वी विल होप कि हमें बहुत वी होप कि हमें अच्छी लगेगी मूवी। स्पेशली फाइट सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल किया गया है, हम प्रोमो में भी देख सकते हैं कि फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे बनाए थे। देखो आज पूरा सिनेपोलिस खाली मिला है तो यार अच्छे से मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ब्लैक एडम को लेकर जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी यार पिछले साल से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा हाथ है ड्वेन जॉनसन का सुपरमैन को वापस से DC यूनिवर्स में लाने के लिए। और कैसी लगेगी मूवी ये अलग बात है, बट इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें वापस से एज़रा मिलर को देखने की है फ्लैश मूवी के लिए उससे कई ज़्यादा एक्साइटमेंट है ड्वेन जॉनसन और सुपरमैन की आपस की फ़ाइट के लिए। ऑल्दो इसमें फ़ाइट होगी नहीं होगी इस मूवी में ये नहीं पता, बट जो भी है जैसा भी है अगर थोड़ा सा ग्लिम्स भी देखने को मिलेगा सुपरमैन का वो भी काफ़ी है। विली बैटसन ने जब लास्ट में एक तरह की सरप्राइज़ कैमियो दिया था सुपरमैन के साथ, बट सुपरमैन का चेहरा नहीं दिखाया था क्योंकि आप सबको पता है कि हेनरी कैविल का कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उस समय वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के साथ, तो वो अपना फेस रिवील नहीं कर सकते थे। मतलब ये सुपरमैन को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं और DC यूनिवर्स का जो एक तरह का अभी भी सुपरमैन है DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सुपरमैन वो हमारे स्नाइडरवर्स या कहो या जो भी कहो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई मैन ऑफ स्टील से एक हेनरी कैविल की इमेज हमारे सामने बनी हुई है तो वो उसको हटा नहीं सकते और वो सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और शायद ये चीज़ ड्वेन जॉनसन बहुत अच्छे तरीके से जानते थे तो उन्होंने फाइनली ये बीड़ा उठाया कि भाई अब बहुत हुआ सम्मान, अब तो लाना है सुपरमैन को वापस से DC यूनिवर्स में, तो भाई वो ले आए। या बैठ के आराम से यार मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मूवी स्टार्ट होगी और कैसा लगेगा इस मूवी को देख के। बहुत ज़्यादा आई एम प्रीटी एक्साइटेड यार। अगर दोस्तों के साथ आया होता तो यहाँ फोटो सेशन ज़रूर होता भाई। अब तो भाई जब से सेल हुई है सबके पास अच्छे खासे आईफोन्स आ चुके हैं तो सब बैठ के अपनी फोटोग्राफी यहाँ करने वाले होते अगर यहाँ होते सब दोस्तों। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का लेकिन मेरे वो दोस्त वो इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो यार तुम लोग को होना चाहिए था यार, सच में यार मज़ा आता है यार, सच बताऊँ। अब इस लाइटिंग में यार सोचो मैं अकेले फ़ोटो खिंचाऊँगा अच्छा लगेगा, अपन लोग की एक दो फोटो तो बनती है इस लाइटिंग में, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है मैं रिव्यू दूंगा तो देखना जरूर। ओ भाई साहब क्या लाइटिंग आ गई। बाकी मैं बताऊँगा मुझे मूवी कैसी लगी, काफ़ी टाइम है, मैंने सोचा था ऊपर ही बैठता हूँ आराम से चिल करता हूँ, खा भी चुका हूँ अच्छे से। सो आज मेरा वीडियो बहुत लंबा बनने वाला मुझे लग रहा है। और बात की जाए इस मूवी की तो भाई PG-13 कर दिया गया है इस मूवी को, जितने भी ब्रूटैलिटी वाले सीन्स थे उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है। तो मुझे लग रहा है ब्लैक एडम की जो ब्रूटैलिटी अगर वो चीज़ अगर दिखेगी नहीं तो यार थोड़ा तो खलेगा तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी अपना मजा है। जितनी फॉलोइंग्स ब्लैक एडम की नहीं है उससे कई ज़्यादा फॉलोइंग है हमारे ड्वेन जॉनसन की। और सच बताऊँ तो ड्वेन जॉनसन ने काफ़ी टाइम से मेहनत कर रखी इस रोल के लिए और सच में उन्हीं की वजह से आज की डेट में हमें एक बहुत बड़ा यूनिवर्स खड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है आगे चल के फ्यूचर में। मैं कितनी देर में मूवी स्टार्ट होने वाली है? अच्छा चलो भीड़ आने वाली होगी अभी तो फिर भी अभी कमी लोग आए हैं धीरे धीरे आएंगे। तो गाइस अब देखो जाने वाले हैं, अब यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई है तो ऑलमोस्ट अब बहुत ही कम समय बाकी है इस मूवी को देखने के लिए। लेट्स सी। दोस्तों इंटरनल हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, बहुत गजब VFX यूज़ किए गए हैं। एक्शन सीक्वेंसेस में जो VFX यूज़ किए गए हैं बहुत ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग है सच में। कुछ कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनाए गए हैं और यार अभी जो हिस्ट्री जो ब्लैक एडम की दिख रही है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब नेचुरल कॉमिक्स के हिसाब से थोड़ी मूवी चली है बट थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्लाइमेक्स तक आते पता चलेगा कि कितना चेंज किया है, बट हाँ मूवी अच्छी है। अभी फन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है। DC यार मतलब इस बार थोड़ा सा लाइट टोन किया गया है, DC का डार्क फील नहीं है बट फिर भी जो क्या बताऊँ बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक मतलब एक्शन सीक्वेंसेस दिखाना भी बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से वो बहुत सीखना पड़ेगा इस मूवी से।
और कॉमिक टाइमिंग एटम स्मैशर की बहुत अच्छी लग रही है। लाइट टोन पे रखकर उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को। देखते हैं एंडिंग तक आते आते उनको किस तरह जस्टिस लीग से जोड़ेंगे, कुछ हिंट मिलेगा जस्टिस लीग का नहीं, बट हाँ बीच बीच में सुपरमैन से रिलेटेड ईस्टर एग्स मिल रहे हैं। लेट्स सी, क्लाइमैक्स में बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे मूवी। तो दोस्तों इंटरवल खत्म होने वाला है तो चलो चलते हैं फाइनल अपनी मूवी की तरफ, है ना। दोस्तों मूवी बहुत अच्छी लगी, अभी जस्ट खत्म हुई है और सच में लास्ट का सीन मतलब मिड क्रेडिट सीन था वो गजब का था। सुपरमैन की एंट्री, हेनरी कैविल की एंट्री, यार दिल जीत लिया। ऑल ओवर फाइटिंग सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे और सच में कमाल का मतलब काम किया है, कमाल का काम किया है, मज़ा बहुत आएगा। मतलब फुल टाइम पैसा वसूल मूवी है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ी स्लो होती है ये मूवी, बट स्टिल जो उसका एक्शन पार्ट है वो आपको पूरा एंड तक बांधे रखता है। बुरा लगता है थोड़ा सा पियर्स ब्रॉसनन के लिए, बट ठीक है, उनको डॉक्टर फेट के किरदार में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और एडम स्मैशर अच्छा लगा ओवरऑल। जो साइक्लोन बनी थी जो एक्ट्रेस, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आएगा देखने में आपको। एक बार ज़रूर देखना, थिएटर वॉच है मूवी। सच में VFX और CGI बहुत कमाल का है। कुछ कुछ जगहों पे आपको लगेगा 3D मॉडल का यूज़ ज़्यादा किया गया है, बट स्टिल जो VFX का पार्ट है, जो मतलब एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वो कमाल के हैं। आपको मन करेगा कि जैसे ही ब्लैक एडम की एंट्री हो आप बस एक्शन सीक्वेंसेस देखो। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि DC का कमबैक मिलेगा आपको इस मूवी में और सच में मज़ा आ गया। दिल खोल के मैंने एंजॉय किया इस मूवी को और लास्ट का मिड क्रेडिट सीन मज़ा करेगा आपको, आपको बांध के रखेगा। जब जैसे ही सुपरमैन की एंट्री होगी तो मज़ा आने वाला है। DC यूनिवर्स एक तरीके से अपना कमबैक कर रहा है इस मूवी से, तो मज़ा आ रहा है। मतलब कमबैक तो कर ही लिया है उसने, बट फिर भी एक बहुत टाइम से एक सूनापन था DC यूनिवर्स के लिए, तो बैक टू बैक हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा इस मूवी में। और बहुत जल्दी इसका रिव्यू भी एक तरीके से अलग से डालूंगा, तो वो भी देखिएगा। तो मूवी ख़त्म हो गई और अब मैं चल रहा हूँ वापस अपने घर की ओर, कैब बुक करता हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट ठीक है, इतना भी लेट नहीं हुआ है, इट्स हार्डली 10:05 और सही है, टाइमली छूट गए। ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं थी, 2 घंटे 5 मिनट के आसपास का इसका शेड्यूल था, इस मूवी का रन टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप अगर एक बार बैठोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मूवी को ख़त्म होने में। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था इस मूवी का। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और फाइनली कैब बुक कर ली है, तो बस थोड़ी देर की ही रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा जितनी देर मैं नीचे जाऊँगा। तो मज़ा आया इस मूवी को देखने के लिए, एक लंबा एक्सपीरियंस किया, अकेले देखा, दोस्त नहीं थे आज बार। जनरली ऐसी सुपर हीरो मूवीज़ में मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ देखना प्रेफर करता हूँ, बट कोई बात नहीं दोस्त लोगों, कोई बात नहीं, फिर किसी मूवी में आपका साथ मिलेगा। मैंने लास्ट जस्टिस लीग ऐसे अकेले देखी थी, उसके बाद कौन सी मूवी अकेले ऐसे देखी थी मुझे याद नहीं है। मतलब सुपर हीरो से रिलेटेड कोई ऐसी मूवी अकेले नहीं देखी, बहुत टाइम हो गया। ये गया मैं एक्सीलेटर से नीचे, तो दोस्तों मैं निकल के आ गया हूँ वापस ऐसी कार्निवल वाली फीलिंग में, बस वहाँ पर एग्जिट पे जाके कैब बुक करता हूँ और फिर निकलता हूँ। लाइटिंग अच्छी है। ओह दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, अलग से एक इस मूवी का एक रिव्यू भी बनाऊँगा, तो देखता हूँ क्या क्या जो दिमाग में है उसको मैं एक तरीके से 2 से 3 मिनट में एक समअप करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरा एक मूवी एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। सो सी यू।